रहमान रहीम सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खरीत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खरीत से हैं। तो करते हैं जी आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी उस सिस्टर के नाम है जो कहती थी मुझे कि सिस्टर ये मक्खन वाली रेसिपी बनाना और मैंने ज़रूर देखनी है और ट्राई करनी है। तो आज मैंने दूध शुद्ध गर्म करके रख लिया, ठंडा भी कर लिया। तो अभी आई हूँ छत पे वीडियो शुरू करने के लिए, तो नीचे चलती हूँ फिर जाके वो अपने बहन के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि मैं किस तरह मक्खन बनाती हूँ। इधर वीडियो शुरू करने के लिए आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? दोनों बहन भाई हैं, आप क्यों इधर आए हैं? थक गए हो ना, जो थोड़ी देर टीवी देख लो जी। ये बच्चों की यूनिफॉर्म धो के डाली हुई है और ये काम, और ये रात का ना झंडा भी पाकिस्तान का धुल गया है बारिश की वजह से। आज नीचे चले हैं, नीचे चले ना, ऐसे गोए सारे बारिश ना गिले हो गए, हम सुखाने पैणगे। माशाल्लाह जी एलोवेरा साड़ा काफ़ी बड़ा हो गया है। हम मैं दे बाला लगावा तो रोंदी है, मैनू कहंदे तू पहले खुद लगा, हूँ किस दिन खुद मैं लगावगी तो फिर मैमा नू। ये की बनाया अज? दरवाज़ा बनाया तो खोलना है, की बनाया अज जी? जो गोए सारे गिले हो गए रात को आग जलाने के लिए। चलो फिर नीचे चल गए जी। नानी का कबूतर है जी, सूरज बिल्कुल नीचे जा चुका है। अच्छा, ये कबूतरों वास्ते खुड़ा बनाया जी। चलो हम वर्दियाँ थोड़ियाँ गिलियाँ हैं, ये सुख लैन नीचे जाके हूँ काम कर लीए होर, तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। चीज खाइए कि चीज़ लई सी? टॉफिया ही। देखो कोई चीज़ भी अड्डा छीने इंसान को बिस्किट लै लेंदा ना, टॉफिया सारियां लै लिया। रहमान रहीम जी, ये जी भैन मेरी ने, प्यारी जी भैन मेरी ने कहा कि मक्खन की रेसिपी बनाओ तो मैं जरूर वेखनी है वीडियो थोड़ी, तो अज मैं उ बना लगी हाँ। तो दूध मैं मलाई पहले लै ला के रखती रहती हूँ दो तो तीन चार दिन, फिर एक दिन दूध में पा के ना, तो इस तरह दूध ठंडा मैं कर लिया बाल्टी पा ली। हूँ मैं मलाई भी तो दूध भी, तो अज लस्सी दस लाते हैं जाग थोड़ा जहा, इन अच्छी तरह हूँ मैं मिक्स कर लैनी हूँ इस तरह हिला के, तो सुबह इनू असी रिड़क लाँगे नाले तो बच्चों वास्ते मक्खन बन जाएगा देसी घ्यो। तो फिर जिन्ना बच्चों ने जरूरत हो ना तो इस्तेमाल असी कर लेता, जरा बाकी बचे वो गर्म करके तो फिर पजीरी पजूरी बना ली दी है इन्हों के पापा वास्ते, क्योंकि अगर खाणगे तो फिर ही काम कर सकते, नहीं तो अजकल जिस तरह दड़िया खुराक इंसान काम नहीं कर सकता। तो भैन मेरी लाजमी देखे, अगर पता नहीं कितों देख रही है साड़ी वीडियो, अगर मैं पता हो तो उन्होंने वास्ते जरूर खुद मैं बना के भेज सकती सी, लेकिन मैनू नहीं पता कि भैन मेरी कितों देख रही है, तो जी मेरे इन्ना प्यार मुहब्बत करती है, तो इस तरह दरिया चीज़ा बनाइया उन्होंने पसंद करती है। अल्लाह पाक उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, तो अपने बच्चों वैसे ही सलामत रखे उन्होंने, तो अल्लाह पाक उन्होंने खुशियां ही खुशियां दे। जी मेरी वीडियो देख के इस तरह के कमेंट्स मैनू कर दी है, तो और जड़िया मेरिया गलतियां भी कर दी है। अजी मेडिसन पई है हूँ, इतों कोई पाँच सत्त गोलियां खाने हैं, तो हजे दुध लैके आना है क्योंकि एक सानू दो टाइम दुध लभ रहा है, फस्ट टाइम भी और सैकेंड टाइम भी, उन्होंने को थोड़ा हों इस वास्ते, तो दो टाइम फिर अद्धा किलो सुबह लै लीता तो किलो शामी लै लीता, बस इन्ना कि दुध हों, फिर बाकी मलाई इस तरह बच्चे ने खाते नहीं, वो सारे बर्तना ना फिर साया होंगी, इस तरह मलाई उतार के मक्खन बन जाता बच्चों वास्ते, पराठे बन जाते। तो हम दाल बनाई सी, तो दाल पकाई सी अजय चनिया की, तो मूंगी की, और बच्चों पा के दिता कि समीर वास्ते घ्यो काफ़ी अच्छा है, दूसरों बच्चों वास्ते भी अच्छा है, लेकिन समीर वास्ते बहुत ज़्यादा अच्छा है।
तीनों उपरों कवर कर दी हैं। हम सुबह तक जम जाएगी, सुबह उठ के फिर इन्हों रिड़क लाँगी बच्चों के स्कूल जाने तो पहले। उन्होंने बच्चों देंगे ताज़ा ताज़ा मक्खन पराठे नाले, गर्मी की वजह तो बच्चे खा के भी नहीं जाते, शायद तो ऐसे बहाने खा लेंगे। इन्हों रख दी हूँ बाहर कूलर से, मैं दरवाज़ा बंद करके वीडियो बना रही थी क्योंकि बच्चे टीवी देख रहे हैं, इस वास्ते टीवी का शोर आता फिर, तो हम दरवाज़ा खोल दिए तो इन बाहर रख लेनी है, अंदर फिर सही नहीं जमेगा, गर्मी ज़्यादा है इस वास्ते। अच्छी तरह साफ कर लूंगी वरना फिर ज़ाया हो गई ये दूध और मलाई। ये बाहर से हमसायों की आवाजें आ रही हैं इस तरह की, क्योंकि मेरे बच्चे तो गए हुए हैं दरस, वो आ भी जाएँ तो अभी ट्यूशन पे जाना उन्होंने, तो टाइम ही नहीं मिलता अब उनको घर में खड़ा होने के लिए। सर आगे शाम आधा घंटा जो घंटा टीवी देखते हैं, फिर होमवर्क करते हैं, फिर पढ़ते हैं। इस तरह करो तो फिर मेरी हाथ की ना नाड़े खींची जाती है, मुझे थोड़ा सा ही रिड़कना पड़ेगा क्योंकि गर्मी का मौसम है, अगर सर्दी का मौसम तो फिर काफ़ी देर रिड़कना पड़ती है, मलाई कर जाकर मक्खन आता है। गर्मियों में थोड़ा सा भी इस तरह 5-10 मिनट में ही बन जाता है। मेरी सिस्टर मुझे वो कहाँ से देखती है, अगर नज़दीक कहीं हो तो फिर मैं उसे इस तरह मक्खन बना के भेज भी सकती हूँ, क्योंकि अगर वो खा के खुश हो जाए और मेरे बच्चों के लिए दुआ करे कि सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी देना और हर दुश्मन वाली से महफूज रखना मेरे घर को, मेरी फैमिली को, मेरे शौहर को। ये तकरीबन 5-7 मिनट मैंने रुका तो मलाई आ गई, मक्खन बन चुका जी। तो ये गर्म है अभी, इसमें डालती हूँ मैं बर्फ, तो बर्फ के साथ लस्सी जो है ये बिल्कुल भीगे बैठ जाएगी, फिर खा ले बस घी होगा। से मैंने बना ली है क्योंकि मक्खन जल्दी ठंडा हो जाएगा, फिर लस्सी तो लस्सी नीचे बैठ जाएगी, मक्खन मक्खन बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। कैमरा मैं क्लोज करके भी दिखाती हूँ, लेते हैं और मक्खन भी बिल्कुल, फिर आप ये तो अपने हाथ की भी दूध गर्म करके
मलाई बनाना या दूध गर्म करके जाग लगा के घी बनाना, ये तो अपने हाथ में होता है, क्योंकि मैंने कौन सा भेजना होता है, अपने बच्चों को देना होता है या अपने और के लिए रखना होता है। बाकी जी इतना अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। ये इस तरह बिल्कुल खालिस फ्रेश फ्रेश मक्खन हमारा तैयार हो गया। थोड़ा सा पानी ये बर्फ के साथ जो लस्सी होगी ना, ये बिल्कुल नीचे चली जाएगी और मक्खन ठंडा होकर ऊपर आ जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, कैमरा क्लोज करा के जी मक्खन बिल्कुल ऊपर आ गया, लस्सी नीचे बैठ गई। तो अभी मैं एक बर्तन में निकालती हूँ तो ये मदानी साफ करके, क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में, बच्चे मेरे दस गए हैं, तो इसलिए ये कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं होता, नहीं तो इससे भी ज़्यादा प्यारी वीडियो बने। इसलिए ना कोई बात करने वाला होता है साथ में, ना कोई कैमरा पकड़ने वाला, फिर खुद ही जिस तरह की बनती है बना लेती हूँ। ये अभी ये बर्फ़ जो रहती है ये भी पिघल जाएगी मदाने साफ करते करते। ये बिल्कुल जी खालिस मक्खन फ्रेश फ्रेश हमारा तैयार है। अभी निकाल के ये बर्तन में डालती हूँ, फिर कैमरे के साथ दिखाती हूँ। ये सारा मैंने इसी तरह घी मक्खन इकट्ठा कर लिया है, ये इस तरह निकाल लूंगी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह फ्रेश फ्रेश मक्खन हमारा तैयार हो गया है। कैमरा मेरे हाथ में खुद ही है और मक्खन भी मैं निकाल रही हूँ, इसलिए वो कमी पेशी रह गई हो तो माजरा चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम जी, ये बर्तन में से मक्खन मैंने निकाल लिया है, बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश और ना खट्टा है। तो उम्मीद करती हूँ कि उस बहन मेरी को ये रेसिपी पसंद आई आएगी और मक्खन भी। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। यह हमारी आज की वीडियो जिन बहन भाइयों को पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। दुआ में हमें भी याद रखना, हम भी आपको याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।